Assalamualaikum, I am Rimsha. Good morning everyone. सुबह की ये रोशनी, हवा और ये परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। नादान परिंदे घर आजा, घर आजा। वावा वावा। सो रेडी होने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड लाहौर के लिए निकल गए थे। हमने रास्ते में बहुत सारी बातें की। Okay. जैसे आपको थंबनेल देख के अंदाजा हो गया होगा, आज हम एम्पोरियम गए और हमने मूवी देखी। Okay. बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत सारी पिक्चर्स ली। कसूर से लाहौर का सफर तय करने के बाद हम एम्पोरियम पहुंचे और इस जगह पे तो मस्ट होता है मिरर सेल्फी लेना। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं। बहुत घूमने फिरने के बाद और बहुत सोचने के बाद फाइनली हम लोगों ने ये सोचा कि हम जॉनी एंड जुगनू जे जे से हम लोग खाएंगे। फिर हम लोगों ने डील ऑर्डर की, फिर हम लोगों ने बहुत मजे से ये खाया। ट्राई करिएगा, फ्राइज और नगेट्स का कॉम्बो बहुत मजे का होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सो कायदे आजम जिंदाबाद मूवी टाइम वेस्ट है या नहीं? मेरे ख्याल से ये टाइम वेस्ट नहीं है। टीनेजर्स के लिए ये मूवी अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है इसमें। इस मूवी का एक डायलॉग था जो मुझे बहुत पसंद आया। नॉट में कायदे आजम इस वजह से होते हैं, कायदे आजम आपको देख रहे होते हैं। अगर वो आपसे नाराज हो जाए ना, तो कायदे आजम नॉट से गायब हो जाते हैं। मुझे पर्सनली ये मूवी अच्छी लगी है। इसमें फन है, एंटरटेनमेंट है, एक्शन है और मैं हमेशा जब भी कोई मूवी देखनी हो मैं उसका ट्रेलर देख के जाती हूँ, उसके सॉन्ग्स सुन के जाती हूँ, तो मूवी का डबल मजा आता है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है मूवी इंजॉय करने का। तो ये मूवी बाकी स्टोरीज की तरह नहीं थी, ये थोड़ी हटकर थी। अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ तो मैं 100 में से इसको 70% नंबर दूंगी। और ये नहीं है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट है, इन्जॉयमेंट था, बिल्कुल इन्जॉयमेंट था। दोस्तों के साथ तो बहुत सारा इन्जॉयमेंट होता है और इसकी हैप्पी एंडिंग थी। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, मैं ये कहूँगी कि मूवी में एंटरटेनमेंट था। ओके ओके गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, रिव्यूज पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।